सो वेलकम बैक गाइज टू द अनदर ट्रैवल सीरीज। इस बार मैं फिर से स्पीति जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम बहुत कुछ रह गया था एक्सप्लोर करना। इस ट्रिप पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं गर्वित और शुभम। कौन गर्वित और शुभम ये आगे चल के आप खुद देख लेना। तो हमारा फर्स्ट डे नारकंडा था, बीच में शिमला वगैरह के व्यूज देखते हुए। तो आए हम चंडीगढ़ से डायरेक्ट यहाँ नारकंडा, और हमारा ये कैंप में स्टे था। मतलब इतने प्यारे कैंप्स, हमारा कितना अल्टीमेट व्यू है, कोई भी नहीं है आसपास, मतलब कितना पीस है। सांगला होली, सांगला होली में क्या हुआ ये सब तो मैं तुम लोगों को आगे चलकर बताऊंगा, पर अभी का सीन कुछ ये था। नारकंडा में सनराइज़ वगैरह देखकर हम निकले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की ओर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने से पहले, विच इज़ ऑन द वे टू सांगला वैली, हम इस ब्रिज पर रुके टू टेक सम कूल ड्रोन शॉट्स। आइए हम आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाते हैं, आप देख के जिसको तंग रह जाएंगे। ये देखिए, है नहीं है ऑसम व्यू। लेट मी शो यू द एरियल व्यू फ्रॉम दिस ब्रिज। फाइनली आज हमारी एंट्री किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में होने वाली थी। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने से पहले हमने कुछ वाटरफॉल और कुछ रास्ते में व्यूज वगैरह देखे, एंड फाइनली हमारी एंट्री हुई किन्नौर गेट पर। किन्नौर गेट आजकल की इंस्टाग्रामेबल लोकेशन, तो हम यहाँ पर रुके कुछ शॉट्स एंड ड्रोन शॉट्स वगैरह लेने। आओ मैं आपको दिखाता हूँ अपने ड्रोन शॉट्स यहाँ के। जैसे हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंटर किया है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से हम जा रहे हैं सांगला। बीच में ये पड़ता है हमारे पास तरंगा माँ का मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, जो भी यहाँ पे आर्मी वाला होता है वो यहाँ पे रुकता है। उन्होंने बेसिकली ये मंदिर बनवाया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। फाइनली यहाँ से ब्लेसिंग्स वगैरह लेकर हम निकले अपनी लोकेशन की ओर, विच इज़ सांगला वैली। हम नीचे जा रहे हैं सांगला टेम्पल। सांगला होली, सांगला होली इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि मैं दोबारा स्पीति होली के टाइम पर आया। यहाँ की वाइब भी कुछ अलग है। हिमाचल की वन ऑफ द बेस्ट होली यहाँ पर खेली जाती है। कुछ यहाँ के हिमाचली रिचुअल्स और कुछ यहाँ के लोगों का प्यार। यहाँ पर लास्ट ईयर जैसे तो सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा ड्यू टू कोविड, बट स्टिल मुझे यहाँ की वाइब फिर से मुझे इस जगह पर ले आई। तो यहाँ की लोकल वाइन पीकर, कुछ लोकल डिशेस खाकर और कुछ लोकल गानों पर नाचकर हम सब लोगों ने चांद का वेट करा। तो बेसिकली ये लोग इस पुतले को पूरे गांव में घुमाते हैं, एंड देन चांद निकलने के बाद इसे जला देते हैं, और जलाने के बाद सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम सांगला। तो आज का सीन कुछ ये है कि हम जाएंगे चिटकुल कल्पा से होते हुए, और हम लोगों ने रात को सांगला होली खेली जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे। और अभी सीन बिल्कुल सॉर्टेड है, बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है और थोड़ी बहुत ड्रिजल हो रही है, ड्रिजल वगैरह हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो पीछे के पहाड़ को। तो अभी हम लोग फिलहाल लेक व्यू होटल में है, यहाँ से पीछे पूरा लेक वगैरह दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है नाम से ही पता लग रहा है। अब हम यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाएंगे। इतने आपको मैं अपने ड्रोन शॉट्स और थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। हेयर वी गो।
तो फाइनली सांगला से निकले हम आज की डेस्टिनेशन की तरफ। आज हमें दो पॉइंट्स कवर करने थे, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा और कल्पा का सुसाइड पॉइंट। तो चलो चलते आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, चिटकुल द लास्ट इंडियन विलेज। तो सांगला से डायरेक्ट ड्राइव करके हम लोग यहाँ पर आए इन चिटकुल में। अभी अभी थोड़े थोड़े स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं और आप जैसे देख सकते हैं ये रहा हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। तो अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, भाजपा रिवर के ऊपर ड्रोन उड़ाएंगे और फिर कल्पा की ओर निकल जाएंगे। तो चिटकुल को पीछे छोड़कर हम निकले आज की लास्ट डेस्टिनेशन और इस ब्लॉक की लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, विच इज़ कल्पा सुसाइड पॉइंट। यू नो व्हाट, कल्पा जाने तक का सफ़र इतना प्यारा क्यों है? क्योंकि यहाँ से वो बर्फ़ से ढकी किन्नर के लाश रेंजेस दिखती है। वहाँ तक पहुँचने से पहले एक और छोटा सा शहर आता है रिकॉन्ग पियो। तो यहाँ पर लंच वगैरह कर हम सीधा निकले कल्पा सुसाइड पॉइंट की ओर।